एक्सप्लोर एशिया 24 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि सड़कों पर अगर आप निकलते हैं, फल फ्रूट बहुत सारे देखते होंगे, लेकिन वहीं पपाया, जी हाँ पपीता, आपको बहुत सारे पीले दिखते हैं, एकदम पके हुए, बाहर से बिल्कुल पके हुए लगते हैं, लेकिन अंदर से जब निकालते हैं तो कच्चे होते हैं। तो उसकी क्या पहचान है, चलिए मैं सीधे लिए चलता हूँ। इत्तेफाक की बात है, लॉटरी लग गई आज तो, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल अंदर से, जैसे दाल का पका हुआ है, गाड़ी का पका हुआ, वो वाला पपीता हमको यानी कि पपाया मिल गया। तो आप भी जब भी ख़रीदने जा रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जिससे कि आप ज़्यादा केमिकल वाला पपीता ना खाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए पपीता खाते हैं, लेकिन हेल्थ और वो ख़राब कर सकता है। तो या तो गाड़ी का पका हुआ खाएं या दाल का पका हुआ, कैसा होता है और इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए, ये जो पपीता है ना, ये बाहर से आपको हरा दिख रहा है और अंदर से पका हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल जेन्युइन पपीता है। आज मैं आपको पपीते की पहचान बता रहा हूँ। ये देखिए, बाहर से सब हरा होगा, ये है ना, बाहर से हरा और अंदर से लाल, यही असली पपीते की पहचान है। ये देखिए, बाहर से सब हरे दिख रहे हैं और अंदर से लाल है एकदम, असली पपीता यही होता है। अगर आप कहीं से भी पपीता ले रहे हैं तो असली पपीता खाना है, बाहर से हरा होना चाहिए। और जो बाहर से एकदम लाल है, जैसे ऐसे होता है, बिल्कुल इस तरीके का होता है जैसे ये है, और वो अंदर से कच्चा निकलता है, मतलब वो कारपेट से पकाया हुआ है, मसाले का पका हुआ है, और ये कुदरती पका हुआ है। अच्छा जी, आप बताइए थोड़ा सा मुल्ला जी, क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ, थोड़े से लोगों को बताइए, जागरूक कीजिए। ये होता डाल का है, गाड़ी का पका बोलते हैं इसको। हाँ, रास्ते में ही पक गया ये। हाँ, रास्ते में। अच्छा, वो मसाले का पका हुआ, वो मसाले का, ठीक है। तो कौन सा खाना चाहिए? गाड़ी का खाना चाहिए। गाड़ी का खाना चाहिए, ये खिलाओ जरा, दिखाओ, काटो। ये है पपीते की पहचान, बिल्कुल हरा है, बिल्कुल हरा है ना, और अंदर से लाल है, अंदर होगा अनार की। वाह, क्या बात है। मीठा होगा उससे, मसाले वाले से ज़्यादा मीठा होगा। तो पपीते की पहचान आप लोगों को हो गई, उम्मीद है कि आप इसी तरीके से पपीता आगे से खरीदेंगे।